हाय गाइस, गुड इवनिंग। और आज मैं शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं जस्ट अपने घर के पीछे ही हूँ, मतलब कहीं बाहर दूर नहीं गई हूँ। मुझे ऑलरेडी आज 12 डे हो गए हैं, 12 to 13 days हो चुके हैं। तो काफ़ी आइसोलेटेड एरिया है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पर। तो आई एम श्योर भोपाल के बहुत सारे लोग जो इसके आसपास रहते होंगे उनको पता होगा कौन सी लोकेशन है, बट पब्लिकली इसमें डिस्क्लोज मत करिएगा। सो यस, मैं यहाँ पर रहती हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ रनिंग करने के लिए। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। जो ट्री आपको दिख रहा है इसके ऊपर जो बॉटल है वो मेरे पापा ने लगाई है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ क्योंकि जो आयरन की रेलिंग लगी हुई है इसकी वजह से ये कट रहा था और ये डैमेज ना हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बॉटल लगा दिया गया है। और ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर है जिस मेरे घर के पीछे ही है, तो हम लोग यूजुअली यहाँ आते हैं वॉक करने के लिए। तो जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पर बहुत खेलने के लिए, पिड्डू खेलने, ये खेलने, वो खेलने। हाँ, पहले यहाँ पे ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये नई बनी है, तो पूरा ग्राउंड ही ग्राउंड। इनफैक्ट मैंने अपनी कार चलाना भी यहीं पे सीखी है ग्राउंड में, मतलब ये प्लेन ग्राउंड है। ये इस टाइप से रास्ता है, पहाड़ी वाला एरिया में हम लोग आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी तो बारिश नहीं हो रही है, बारिश बहुत कम हुई है। बारिश होती तो यहाँ पर इतना सुंदर, ऐसे पूरे ये जो आपको पीछे पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये जितने भी आपको पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से सब वाटरफॉल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। बट हाँ, यहाँ पे अकेले नहीं आते हम लोग, मतलब ग्रुप में आते थे पहले, तो 10-12 लड़कियों का हमारा ग्रुप था, सब आते थे। फिर सबके किसी के पापा का ट्रांसफ़र हो गया, किसी के पापा रिटायर हो गए, तब फिर उन लोग क्वार्टर्स छोड़ छोड़ के दूसरी दूसरी सोसाइटीज़, कोई दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पे पहले बहुत मज़ा आता था, पहले इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। पहले तो मैं बिल्कुल ही, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कैसा क्या ठीक है, लेकिन जब से मुंबई में चले गए तब से इस जगह की वैल्यू समझ में आई है। क्योंकि हम लोग लोनावला, खंडाला, अलीबाग ऐसी जगह ढूंढने के लिए जाते हैं, मतलब एकदम शांति। पीछे देखिए है ना, कितना मस्त लग रहा है। वो पीछे तो बहुत दूर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। ये न्यू गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं और इनमें प्रॉपर लिफ्ट सिस्टम है। 48 वो है ना फ्लैट्स है इसके अंदर, एक ब्लॉक में। हाँ, और तो ये जो नया कंस्ट्रक्शन है ये बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग जिसमें रहते हैं वो बहुत पुराने हैं, हम ही को रहते हुए 20 ईयर्स हो गए ना, 20 ईयर्स तो हम लोग को हो गए। हाय गाइस, तो आज है मंडे और स्टार्ट किया था आधे मिड में, तो उसका आज नेक्स्ट डे है। और मैं सुबह सो के उठ गई थी, 8:15 बजे करीब सो के उठ गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा बिजी थी इसलिए मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। अभी बस मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी तो मैं सबसे पहले अपना एडिटिंग कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा रूम का बेड है जहाँ पर मैं बैठती हूँ, तो ये वाला एरिया है, तो मैं नीचे पे बैठ सकती हूँ। बहुत मैस पड़ा हुआ है, इग्नोर इट। ये मेरे कपड़े वपड़े रखे हुए हैं, घड़ी करे हुए, तो यहाँ पर मैं बैठती हूँ। बट द थिंग इज़ क्या, ज़्यादा देर बैठो तो बैक का इशू होने लग जाता है, तो मैंने अपने डाइनिंग एरिया के वहाँ पर जगह ढूंढ ली अपने लिए। तो मैं बताती हूँ, हमारा डाइनिंग एरिया है तो मैं यहाँ पर बैठती हूँ और यहाँ से कनेक्शन लेती हूँ मैं इधर पर, ये कनेक्शन है, और बाहर का आपको व्यू दिखाती हूँ। सी दिस व्यू के साथ यहाँ पर बैठती हूँ मैं, और यहाँ पर बैठी हुई हैं मम्मी जो अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हैं। आपका सारा काम हो गया ना? ये अभी टाइम हो रहा है 10:45 और मेरी मम्मी का सारा काम हो चुका है। पापा जाते हैं ना ऑफिस? हाँ, पापा जाते हैं ऑफिस, तो लंच वंच सब कुछ बन के पूरे घर का काम फ्री। लंच लेके नहीं जाते तो हाँ, अभी ऐसे टाइम है तो लंच लेके नहीं जाते हैं, पूरा करके ही जाते हैं। मतलब क्यों वहाँ पे खोलना और खाना, इसलिए वो करके जाते हैं, तो मेरी मम्मी का पूरा काम हो जाता है इतने बजे तक। इतने बजे तो मैं होश में आती हूँ मुंबई में। So
मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. आज मुझे एक्चुअली कहीं और भी जाना है, मतलब कुछ काम के लिए जाना है, तो होपफुली आज मैं निकल पाऊँ. मुझे ऑलरेडी आज 14th डे है तो, बट मेरा बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम है तो मैं इसलिए अभी तक शार नहीं ले रही हूँ. अब मैं निकल रही हूँ, मेरे को जहाँ पे मैंने बताया था काम से जाना है, कुछ अपने एडिटिंग के काम का ही सामान मुझे लेने के लिए जाना है. मैं बहुत दिन से परेशान हो रही थी, बट मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि भाई तू मुझे बता दे ऑनलाइन लूँ कि उससे लूँ, तो उसने मुझे ऑनलाइन मना कर दिया और उसकी पहचान की कोई शॉप थी तो उनसे मैंने अभी कॉल किया है. पहले मुझे दूसरे साइड जाना था, बट अब मुझे बैक साइड जाना होगा, थोड़ा ओल्ड भोपाल साइड में. वहाँ जाने में थोड़ा सा मेरी मम्मी मेरे को भेजने में डरती हैं, बट ठीक है, थोड़ा रोड वोड भी अच्छा नहीं है एंड सही इतना, मतलब वहाँ पे चलाते भी गाड़ी बहुत अजीब तरीके से हैं, तो मैं अपनी टू व्हीलर से ही अपनी स्कूटी लेकर के जाऊँगी. तो अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि जस्ट रिसेंटली मेरी मम्मी के जो मौसा जी हैं, जैसे मैं अपनी मासी के बहुत क्लोज हूँ और मेरी इकलौती मासी है, ऐसी मेरी मम्मी की भी इकलौती मासी है और उनके मौसा जी की अभी उनका पूरा जो फैमिली है, मतलब मेरी नानी, कज़न नानी मैं उनको बोलती हूँ, उनकी दोनों बेटियाँ, दो ही बेटियाँ उनकी, तो मतलब दोनों मासियाँ, दोनों मैरिड हैं और उनके भी बच्चे हैं, तो उनकी पूरी फैमिली COVID-19 पॉजिटिव हो गई थी. काफ़ी दिन हो गए इस बात को, मतलब मैं जब आई थी तब मुझे पता चल गया था कि पूरी फैमिली उनकी कोविड पॉजिटिव है. तो डेली मेरी मम्मी अपडेट्स लेती थी और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद ही उनकी पूरी फैमिली तो डिस्चार्ज हो गई थी, मतलब वो सब नॉर्मल हो गए थे. बट मेरे नाना जी को बोला कि आपको दो दिन और रुकवाएंगे हॉस्पिटल में, एंड दो दिन बाद तो न्यूज़ ही आ गई कि ही इज़ नो मोर. तो बिल्कुल इन लोगों की तो सबकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि कोई जा नहीं पा रहा है, इतनी क्लोज़ फैमिली है, मतलब सोचो सिर्फ मेरी दोनों मासियाँ और वो जो मेरी कज़न नानी है, तीनों, ये तीनों बैठ कर के आपस में, दिस इज़ द वर्स्ट. मतलब ये जो सिचुएशन है ना, कि इतनी वर्स्ट है कि कोई सोच नहीं सकता है. आप अपने लव्ड वन के पास नहीं जा सकते हो, आपको कंधा नहीं मिलेगा रोने के लिए. मतलब मम्मी हो गई, अभी डेली मम्मी अपडेट लेती रहती है, उनकी मामी और बाकी की जो भी रिलेटिव्स हैं सब आपस में यही बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा दुख होता है कि नानी की हालत बहुत ख़राब है. सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस. और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. तो अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इससे, अपने मोबाइल के कैमरे से, और अब मैं निकलती हूँ. इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ, वही सब पहना हुआ, क्योंकि सर पे मुझे हेलमेट पहनना है, तो ये बांधा हुआ ऐसे जूड़ा, और ये मैं पहनी हुई हूँ लोअर. मतलब मुझे जाना 6 किलोमीटर्स दूर है, बट पूरी पैक होके जाऊँगी. मैं अपने हाथों से सब रिंग्स निकाल दिया है, ब्रेसलेट्स निकाल दिया है, हैंड मंगलसूत्र सब कुछ निकाल दिया है. तो मैं निकलती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. ये है मेरी स्कूटी जिसको ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो चुका है अब, और ये वैसे अभी भी उतनी अच्छी कंडीशन में है. अभी तक इसके ये तक लगाए हुए हैं, आगे देखो उसकी कंडीशन. हे गाइस, तो मैं आ गई थी जहाँ सिटी गई थी, और वहाँ से आने के बाद मैं तो सबसे पहले शार लेने के लिए गई, और मैंने खाना खाया. मुझे लगा था कि मुझे 1 घंटा लगेगा, बट मुझे 2 घंटे लग गए ना, 2 घंटे लग गए. मतलब सिटी में मैं इस तरह से भटकी हूँ कि मैं पहली बार आज लोगों से पूछ के आई थी, भैया चौक वाली माता की रोड कहाँ, मतलब जो है वहाँ पर एक मंदिर है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं यूजुअली उसी के आसपास के एरिया में सिटी में जाती हूँ. सिटी बहुत बड़ा है, ओल्ड भोपाल का बहुत बड़ा मार्केट है, अंदर इतनी शॉप से तो मैं आज भटक गई थी. बट फिर थैंकफुली मैं आ गई, और मैं इतने बड़ा बड़ा सामान लेकर के आई, तो बताती हूँ अभी आपको कि मैं क्या लेकर के आई हूँ. तो अभी शार लेते टाइम मैंने ये यूज़ किया है, मामाअर्थ का नीम बॉडी स्क्रब. तो अभी मैं जब ये स्क्रब यूज़ किया है, तो मेरी बॉडी में से बहुत अच्छी सी नीम की फ्रेग्रेंस आ रही है, जो कि बहुत गंदी सी नहीं है, अच्छी सी सूदिंग एंड कामिंग सी है. तो बेसिकली इस बॉडी स्क्रब में मिला हुआ है नीम, तुलसी एंड साथ में वॉलनट. नीम के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, और साथ ही साथ ये कामिंग इफेक्ट भी देता है. नीम प्योरीफाइज द स्किन एंड कीप इट हेल्दी एंड हाइड्रेटेड. इसके अंदर तुलसी मिला हुआ है, तुलसी के अंदर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है. हम सबको तुलसी के जो गुण है वो सबको ही पता है. इसके अंदर वॉलनट मिला हुआ है, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से जेंटली एक्सफोलिएट करता है. तो बेसिकली ये जो नीम बॉडी स्क्रब है, ये करता क्या है, आपकी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है, डेड स्किन सेल्स को हटाता है, डल एंड ड्राई स्किन को प्रिवेंट करता है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. तो इसमें 2 वेरिएंट्स मेरे पास आए हैं, एक तो नीम बॉडी स्क्रब आया है, एंड साथ ही साथ एक आया है ये मामाअर्थ का उपटन बॉडी स्क्रब. पैकेजिंग इज रियली क्यूट. मुझे ये जो टब जिस स्टाइल में आए ना, ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, एंड कलर्स आर ऑल्सो वेरी क्यूट. मैं वेट कर रही हूँ, जैसे ये खत्म होगा मैं इसको एज अ प्लांटर यूज करने वाली हूँ. जो उपटन बॉडी स्क्रब है, इसके अंदर टर्मरिक, सैफरन एंड वॉलनट मिला हुआ है. टर्मरिक इंस्टेंटली आपकी स्किन पर ग्लो प्रोवाइड करता है, इट ऑल्सो रिड्यूसेज साइंस ऑफ एजिंग, आपको सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है. सैफरन इज अ पावर हाउस ऑफ विटामिन एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स, नेचुरल रेडियंस एंड ग्लो प्रोवाइड करता है. तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, तो ये उपटन बॉडी स्क्रब करता क्या है, ये डीप एक्सफोलिएशन करता है, सन टैन को रिमूव करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर सर्टिफाइड बाय पेटा एज अ क्रुएल्टी
केमिकली फ्री प्रोडक्ट्स। जितने मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स हैं ये सब केमिकली फ्री होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर होते हैं। हैशटैग वोकल फॉर लोकल ब्रांड, तो मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड रीजन की मैं इनके ब्रांड को प्रमोट करना पसंद करती हूँ। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा mamaearth.in की वेबसाइट पर। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब Amazon, Nykaa एंड mamaearth.in पर अवेलेबल है। फेस्टिव सीजन आने वाला है तो आई एम श्योर आपको बॉडी स्क्रब का रिक्वायरमेंट होगा, तो यू कैन ट्राई दीज स्क्रब्स एज वेल। सो यस, एंड अभी मैं आपको शो करूंगी कि मैं क्या लेकर के आई हूँ, सिटी क्यों गई थी मैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या लेकर के आई थी। मैं लेकर के आई हूँ ये है रिंग लाइट। तो एक्चुअली मैं सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनल वाली रिंग लाइट परचेस करूंगी, मुंबई में तो ज़रूरत नहीं भी थी, बट यहाँ पर थोड़ी रिक्वायरमेंट है। मतलब वैसे तो मेरा जो रूम है वो ऐसा है कि मेरे बिल्कुल जिस सामने काफ़ी बड़ी सी विंडो है, बट जैसे अभी क्लाउडी हो गया है तो शेड्स अच्छे नहीं आ रहे थे, और मैंने 2 हॉल वीडियो शूट करे उसमें डिस्टर्बेंस मतलब मुझे पसंद नहीं आया। वो तो क्वालिटी उसकी जिस तरह से आ रही थी वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा, फिर मैंने, मेरी फ्रेंड है दीक्षा, उसने मुझे एक शॉप बताया। पहले मैं ऑनलाइन लेने का सोच रही थी, बट मैं आज वहीं गई थी सिटी में, उनसे भैया से मैंने पूरा कोऑर्डिनेट कर लिया था। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी बिकॉज मैं भी हॉल वीडियोज़, मेरे ब्रांड्स के जो हॉल वीडियोज़ हैं वो शूट करने वाली हूँ। आपने देखा होगा मेरे को वो मिला था लूना मिनी जो फेस क्लेंजर है, वो आई थिंक वो एक ब्रश अकेला 24,000 का आता है। सो दैट इज़ अ बिग ब्रांड, ठीक है। जो मेरे को वॉच आई थी DW की, दैट इज़ अ बिग ब्रांड। वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी, मतलब वो क्लियर मेंशन करते हैं। ऑब्वियसली यार, अब ये बड़े ब्रांड्स हैं, आप ये नहीं कि आप चलते फिरते उनका वीडियो क्वालिटी आप ऐसे नहीं बना सकते हो। तो अभी मेरे कुछ और 2 बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप हुआ है, या कोलैबोरेशन आप बोल सकते हो वो हुआ है, तो मुझे इसका रिक्वायरमेंट था ही था, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी पे इफेक्ट कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि मैं भी यहाँ पर कितने दिन रहने वाली हूँ। तो मैंने सोचा ले लेते हैं यार, यूट्यूब के काम की चीज़ें हैं, मतलब ये तो मेरा काम है, तो उसके लिए मैं लेकर के आ गई। मुझे काफ़ी सस्ती पड़ी है, मतलब ऑनलाइन मैं मान के चलूँ कि मैं ऑनलाइन लेती, ऑनलाइन से मुझे 1,000 सस्ता पड़ा है पूरा। तो 50 रुपये का पेट्रोल और 1,000 सस्ते में मैं ये लेकर के आ गई हूँ। तो इसको मैं 1 मिनट ओपन करती हूँ। मैंने उन भैया को बोला था, भैया आप अच्छे से इसको टाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी स्कूटी पे लेकर के आऊँगी, और बहुत दूर मेरे घर से दूर है, 7-8 किलोमीटर है, तो मैं वहाँ से लेकर के आई हूँ। भटक गई थी एक बार, तो ऐसा हुआ कि रास्ते में मैंने ना इस तरह से रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, तो ये ऐसे पूरा टपक गया था। फिर मैंने गाड़ी रोकी और उसको ऐसे खड़ा करके और पता नहीं कैसे कैसे चला करके लेकर गया, उसमें मैंने शूट भी नहीं किया है। ये है मेरी रिंग लाइट, तो दिस इज माई रिंग लाइट। ये 18 इंच का है, उनके पास 20 इंच का भी था, बट 20 इंच वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा था, मुझे लगा ये घर के लिए ठीक नहीं है, मतलब 18 इंच इज़ गुड फॉर योर होम। और जो मेरे पास एक और पुरानी रिंग लाइट है वो 12 इंच की है, मतलब वो इतनी पावरफुल नहीं है जितनी पावरफुल ये है। तो ये मैंने परचेस किया है, ये है नाइन की है, यहाँ पर आप सेल लगा सकते हैं, एंड यहाँ पर ये ऑन एंड ऑफ का बटन दिया हुआ है, और ये एडजस्टमेंट है, मैं ऑन करके आपको बताऊंगी। और यहाँ पर आप चार्जर लगा सकते हो, ये चार्जर का भी स्लैब दिया हुआ है। तो दो एक और उन्होंने मुझे कंपनी का बताया था, सिम्प्लेक्स करके, तो सिम्प्लेक्स के भी मैंने रिव्यूज ऑनलाइन देखे, बट मुझे डिजिटेक के रिव्यू ज्यादा बेटर लगे। और ये है इसका स्टैंड, जो कि मुझे इसी के साथ मिला है, 600 रुपीज का ये स्टैंड आया है, मतलब अच्छी क्वालिटी है ये स्टैंड है। ये स्टैंड पहले मैं सोच रही थी कि नहीं लूँ, बट फिर मुझे लगा कि ठीक है ले लेते हैं। और दूसरा मैंने कि मिनी स्टैंड लिया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मैं बैठ के वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरा जो पुराना वाला रिंग लाइट है उसमें भी सेम इशू होता है, मैं बैठ के वीडियो बनाती हूँ, रिंग लाइट इधर ऊपर चली जाती है, तो वो शैडो सा दिखने लगता है और ऐसा, तो इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। दिखाती हूँ ये भी, यहाँ पर है, आप अपना मोबाइल लगा सकते हो, यहाँ पर अपना कैमरा फिट कर सकते हो, यहाँ पर नॉब दिया हुआ है, एंड यहाँ पर भी एक और है अगर आपको अपना कुछ और लगाना है तो। एंड ये इसके एडजस्टमेंट सेटिंग्स है, और यहाँ पर इससे आप ये ऐसे लूज इसको नीचे कर सकते हैं अगर आपको नीचे का वाइट लेना है तो, एंड आप ऐसे ऊपर कर सकते हैं। एंड ये छोटू वाला स्टैंड है जो मुझे चाहिए था एक्चुअली में, ताकि मैं बैठूं तो मेरे बैठने के ये फेस पर आ जाए। तो टोटल मुझे पड़ा है 4,500 में, विथ 2 स्टैंड्स एंड विथ रिंग लाइट, तो आई थिंक इट्स प्रिटी अफोर्डेबल। ऑनलाइन मुझे ये मिल रहा था टोटल, अगर मैं ये स्टैंड दोनों साथ में लूँ और रिंग लाइट तो 3,000, रिंग लाइट मुझे इन पर्टिकुलर 3,300 की मिली है, ऑनलाइन आपको मिलती है 3,900 या 3,800, मतलब एक्सपेंसिव है। आप मान के चलो कि मेरा 1,500 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए तक का बच चुका है। हाय गाइस,
तो आज है नेक्स्ट डे, मतलब कल मैंने ब्लॉग कंप्लीट नहीं किया था, कंप्लीट मतलब एंड नहीं किया था इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो. तो आज पता नहीं कौन सा तो भी दिन है, आज क्या है, हाँ आज वेडनेसडे है. और आज से मेरी मम्मी के अनफॉर्चुनेटली कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब अब मेरी मम्मी को जाना पड़ेगा, ऑल्टरनेट डेज जाना है ऑल दो, तो टाइमिंग्स भी काफ़ी कम है. तो अभी मेरी मम्मी कॉलेज के लिए निकलने वाली है, टाइमिंग्स भी लेट हो गए हैं मम्मी आपके, हाँ 9 to 12:30 है. तो ऑब्वियसली अभी इतने दिन से कॉलेज जा रही, कॉलेज नहीं जा रही थी और अभी जा रही, तो कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा. मम्मी के ब्लाउज ढीले हो गए भाई 4 महीने में काम कर करके. तो अभी और क्योंकि मैं भी आई हुई हूँ ना, तो मेरे को आए हुए 15th day है आज, तो मुझे पता ही नहीं चला ये 16 डे ऐसे निकल गए. तो अभी क्या है, अभी उनका ट्रैवलिंग का थोड़ा सा इशू है, तो अभी पापा ड्रॉप करने जा रहे हैं, पिकअप के टाइम पे मैं चली जाया करूँगी. अभी आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. टिल देन बाय.